नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महामारी के चलते पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से बंद स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं को फिर से खोलने पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि अगस्त महीने से स्कूल, कॉलेज फिर से खोले जा सकते हैं। उन्होंने मामलों को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस संकट में स्कूलों के समय और सिलेबस में कटौती किए जा सकते हैं। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बयान में कहा कि वर्तमान परिस्थिति के मद्देनज़र और माता पिता शिक्षकों से बहुत सारे अनुरोध प्राप्त करने के बाद हम आने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक घंटों में कमी के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में आज 10 जून से प्री मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। झारखंड में 10 जून के बाद करीब करीब पूरे राज्य में बारिश का अनुमान किया गया है। मानसून अपने तय समय से चल रही है और 1 जून के मानसून के टकराने के बाद यह नियत से समय चल रहा है। ऐसे में 1-2 दिनों में इसके उड़ीसा के तटवर्ती इलाके में टकराने का पूर्वानुमान है, जिसके 4 से 5 दिन बाद झारखंड में मानसून प्रवेश कर सकता है। निजी स्कूल फीस माफ़ी नहीं करा सकी सरकार। झारखंड सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के समक्ष घुटने टेक दिए हैं। स्कूली बच्चों की फीस माफ़ी को मनवाने में हेमंत सरकार को नाकामी मिली है, जिससे राज्य के अभिभावकों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई बैठक में निजी स्कूल को ट्यूशन फीस वसूलने की छूट मिल गई है। हालांकि निजी स्कूल लॉकडाउन पीरियड में कोई अन्य शुल्क नहीं ले सकेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ हुई बैठक में निजी स्कूल ट्यूशन फीस माफ करने को तैयार नहीं हुए। झारखंड में आज 88 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो पूर्वी सिंहभूम से 10, गुमला से 12, खुट्टी 1, लातेहार 5, लोहरदगा 1, रामगढ़ 7, सरायकेला 3, सिमडेगा 8, पश्चिमी सिंहभूम 12, चतरा 6, पलामू 2, रांची 3, कोडरमा 16, गढ़वा 2 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1330 से बढ़कर 1418 हो गई, जबकि 559 लोग स्वस्थ हुए और 8 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 276,146 है, जबकि 134,670 लोग स्वस्थ हुए और 1750 की मृत्यु हो गई। झारखंड में 8वीं मौत बोकारो निवासी। झारखंड में संक्रमण से 8वीं मौत दर्ज की गई है। रिम्स में भर्ती 69 वर्षीय महिला संक्रमण से जंग हार गई। बताया जा रहा है कि बोकारो के फुसरो की महिला को ब्रेन हेमरेज होने के कारण मेडिका में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जो 9 जून को उसकी मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि बोकारो से अब तक संक्रमण से 2 लोगों की जान चली गई है, जो गोमियो सड़ाम के रहने वाले वृद्ध की 10 अप्रैल को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पलामू पांडू में अंधविश्वास के कारण हुई मौत। वैश्विक महामारी से जुड़े अंधविश्वास के कारण पलामू के पांडू प्रखंड में एक महिला की मौत हो गई। खबरों के अनुसार रविवार को पांडू के 20 से 25 महिलाओं ने संक्रमण से छुटकारा के लिए उपवास रखी थी, जो अचानक तबीयत बिगड़ने से एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि महिलाओं के बीच अफवाह फैली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वायरस से संक्रमण से बचने के लिए पूजा करना जरूरी है, जो महिला व्रत करेगी उसके खाते में पैसे भी भेजे जाएंगे। प्रत्येक प्रखंड में लगाई जाएगी संक्रमण जांच मशीन। संक्रमण की जांच में तेजी लाने के लिए अब ट्रूनेट मशीन जिला अस्पताल के बाद अब प्रत्येक प्रखंड स्तर तक लगाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा है कि कोवाज की वजह ट्रूनेट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसे हर जिला व प्रखंड स्तर पर लगाकर स्क्रीनिंग कराना आसान है। इस संकट में महंगी मशीन खरीदना उचित नहीं है। गौरतलब है कि कोवाज की कीमत करीब 1 से 1.5 करोड़ है, जो एक शिफ्ट में 1,000 से 1,200 सैंपल की जांच करती है। झारखंड में मनरेगा मजदूरी नहीं बढ़ेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव NN सिन्हा ने कहा कि अभी हाल ही में मनरेगा मजदूरी बढ़ाई गई है, इसलिए अभी मजदूरी बढ़ाने की संभावना कम ही है। उन्होंने कहा है कि राज्य को रोजगार सृजन पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व अन्य योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार से जोड़े। उन्होंने राज्य में चल रही योजनाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। स्कूली बच्चों के ड्रेस अब प्रवासी मजदूर सिलेंगे। राज्य के प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में सिलाई का काम करते हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के यूनिफॉर्म सिलाने की तैयारी कर रही है। जो प्रवासी झारखंड में ही रहकर अपने हुनर को उड़ान देना चाहेंगे, उनके लिए सरकार यूनिफॉर्म तैयार करने का रोजगार उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि पंचायत, प्रखंड और जिला मुख्यालय स्तर पर यूनिफॉर्म सेंटर बनाए जाएंगे,
जो दो सेट पोशाक तैयार करने का 600 से 750 रुपए तक दिए जाएंगे। स्क्रीनिंग के नाम पर 100 रुपए लिए जाने के मामला पर जांच का आदेश मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्किड अस्पताल द्वारा स्क्रीनिंग के नाम पर 100 रुपए लिए जाने के मामले पर जांच का आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। उधर श्री बन्ना गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई के लिए रांची उपायुक्त को निर्देश दिया है। चतरा जिला का लाइन मोहल्ला कंटेनमेंट जोन घोषित। चतरा में सैंपल लेकर व्यक्ति को घर भेजने के 10 दिन बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चतरा प्रशासन सख्त हुई है। चतरा शहर में जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आने के कारण शहर के लाइन्स मोहल्ला निवासी डरे हुए हैं। लाइन्स मोहल्ला की बैरिकेटिंग की जा रही है, साथ ही पूरे मोहल्ला को सैनिटाइज किया जा रहा है और पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास की दुकानें बंद करा दी गई और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा लाइन्स मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। हजारीबाग में साइकिल से अवैध कोयला बिक्री करने वालों पर हुई कार्रवाई। हजारीबाग डीआईजी और एसपी जाने के क्रम में बड़का गांव के मुख्य चौक पर अवैध कोयला ले जाते साइकिल और मोटरसाइकिल भीड़ के कारण जाम में फंस गए। इसके आलोक में बड़का गांव पुलिस ने अवैध रूप से सड़क जाम कर चल रहे दो मोटरसाइकिल, 19 साइकिल एवं 257 बोरी कोयला जब्त किया। आपको बता दें कि आए दिन साइकिल से अवैध रूप से कोयला ले जाने के क्रम में सड़क जाम हो जाती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा को किया याद। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर 9 जून दिन मंगलवार को राजभवन के दरबार हॉल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, जल जंगल और जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले धरती आबा ने देश के लिए अपनी जान न्योछार कर दी। लोहरदगा में पॉजिटिव शख्स ने फांसी लगाकर दी जान। लोहरदगा सदर अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पॉजिटिव मरीज ने मंगलवार की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले ही मरीज की रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट में वह संक्रमण पॉजिटिव पाया गया था। बताया जा रहा है कि वह सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में अकेले था, बेलशीट के सहारे पंखा में फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह जब सफाई कर्मी वहां गए तो मामले की जांच हुई। रेलवे टीटीई अब काले कोट की जगह पीपीई किट पहनेंगे। महामारी के इस दौरे में रेलवे में भी बदलाव हुआ है। ट्रेनों व स्टेशनों में टिकट चेक करने वाले टीई टीटीई टीटीआई अब काले कोट के जगह पीपीई किट पहनेंगे। कई स्टेशनों में अब पीपीई किट पहनकर ड्यूटी करते देखे जा रहे हैं। हाजीपुर के सीपीआरओ ने बताया कि रेलवे के वैसे कर्मचारी जो यात्री के नज़दीक जाते हैं उनके लिए पीपीई किट उपलब्ध कराया जा रहा है। धनबाद में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की हुई समीक्षा। डीसी धनबाद डीसी अमित कुमार ने मंगलवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तथा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना की समीक्षा की। मनरेगा की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 एवं 11 जून को विशेष अभियान चलाकर जॉब कार्ड का निर्माण कर स्थानीय व प्रवासी श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जमशेदपुर में पानी के लिए बर्तन के साथ प्रदर्शन। जमशेदपुर बागबेड़ा क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने पानी की मांग को लेकर टाटा स्टील यूटिलिटीज कार्यालय के समक्ष बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि पूर्व में ही चेतावनी दी गई थी और मंगलवार को सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। यदि जुस्को CSR के तहत पानी की आपूर्ति नहीं करती है तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। 38 करोड़ के कोऑपरेटिंग बैंक घोटाले में केस। झारखंड कोऑपरेटिंग बैंक घोटाला के प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी। ईडी ने मामले में घोटाले से संबंधित कई कागजात की कॉपी सीआईडी से ली है। उम्मीद है कि ईडी के द्वारा FIR दर्ज कर जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सीआईडी ने सरायकेला थाने में 38 करोड़ के घोटाले से जुड़े दो अलग अलग कांडों को टेक ओवर किया था।
मुंबई से 180 प्रवासी पहुंचे रांची। मुंबई से 180 प्रवासी मजदूर मंगलवार को रांची एयरपोर्ट उतरे। रांची एयरपोर्ट पर विमान 12:15 पर आया। प्रवासी मजदूरों में महिलाओं और परिजन भी सम्मिलित थे। एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। सभी प्रवासी मजदूरों को भोजन का पैकेट और पानी का बोतल उपलब्ध कराया गया। इसके बाद उन्हें बसों से गृह जिला के लिए रवाना किया गया। हजारीबाग पीएम केयर्स ठगी के घर पुलिस का छापा। पीएम केयर्स के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाला मास्टरमाइंड के घर पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन वह घर से गायब मिला। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह घर के आसपास मौजूद है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी की पत्नी से पूछताछ की। मालूम हो कि इस मामले में 9 अप्रैल 2020 को सदर थाने में पीएम केयर्स के नाम पर करीब 51 लाख की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। चीनी सीमा पर सड़क बनाने वाले झारखंड के मजदूरों को मिलेगा 20% तक ज़्यादा वेतन। बीआरओ को राज्य सरकार ने भारत चीन सीमा पर रोड बनाने के लिए राज्य के श्रमिकों को ले जाने की अनुमति दे दी है। इसके तहत राज्य के 11,815 श्रमिक सीमा संगठन चीन सीमा पर ले जाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व की अपेक्षा सभी श्रमिकों को वेतन में 20% तक बढ़ोतरी होगी और वेतन सीधे उनके बैंक खाते में आएंगे। इसमें कोई बिचौलिया की भूमिका नहीं होगी। श्रमिकों को मिलने वाला सुविधाएं इस प्रकार है: काम के दौरान घायल होने पर मुफ्त इंडोर मेडिकल सर्विस, घायलों को मृत्यु होने पर 5 लाख तथा विकलांग होने पर 4 लाख तक मुआवजा, खाने के लिए 3,000 रुपया अतिरिक्त। गढ़वा राशन कालाबाजारी में डीलर को जेल। गढ़वा जिला के हरिहरपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार डीलर द्वारा 2 माह का राशन उठावा करने के बावजूद लाभुकों के बीच वितरण नहीं करने की खबर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दुकान पर पहुंचकर जांच की गई थी। नशेड़ियों को पहुंचा रहे प्रतिबंधित सिरप व टैबलेट। रांची में नशीली दवाओं का कारोबारी तेजी से चल रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में इसके कई नए नए केंद्र बन गए हैं। पुलिस और ड्रग्स विभाग की ओर से जांच के बाद खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर इस कारोबार को तेजी से फैलाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा छापेमारी पर 850 इंजेक्शन और 40 नशीले टैबलेट बरामद किए गए हैं। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर पद यात्रा 30 जून तक के लिए शुरू। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 6ठी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द कर सरकार से अध्याचना वापस लेने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा उलगुलान पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह पैदल पद यात्रा 9 जून से शुरू है, जो 30 जून तक चलेगी। झारखंड के 68,000 पारा शिक्षक होंगे स्थायी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में उच्च कमेटी की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के 68,000 पारा शिक्षक अस्थायी होंगे। इसे लेकर जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। अस्थायी होने के लिए टेट पास पारा शिक्षकों की कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, जिसके तहत लगभग 11,000 पारा शिक्षक सीधे अस्थायी होंगे। वहीं अन्य पारा शिक्षक को परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए निर्धारित कट ऑफ मार्क्स 60% से घटाकर 30% करने पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।